नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जिसके सेवन से घर बैठे ही पेट के रोग होंगे दूर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकृति ने हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां व औषधियां दी हैं, जिनका सही मात्रा में प्रयोग करके हम निरोग रह सकते हैं और कई प्रकार के रोगों से निजात भी पा सकते हैं। एक ऐसी ही औषधि तकरीबन प्रत्येक भारतीय रसोई में पाई जाती है, वह है अजवाइन। आज हम अजवाइन के सेवन से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। अजवाइन को अंग्रेजी में क्रोम सीड कहते हैं। अजवाइन के पौधे पूरे भारत में पाए जाते हैं, खासकर दक्षिणी प्रदेशों, पश्चिमी बंगाल और पंजाब में अजवाइन की पैदावार अधिक होती है। अजवाइन का प्रयोग मसाले व औषधि के रूप में किया जाता है। अजवाइन के फायदे। अजवाइन की तासीर गर्म होती है। अजवाइन के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, एका यमानी शत मन पाचिका। इसका अर्थ है कि अजवाइन में 100 प्रकार के अन्न पचाने की शक्ति होती है। अजवाइन स्वाद में तीखी व कड़वी होती है। पाचन तंत्र के लिए है फायदेमंद। अजवाइन का सेवन पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। अजवाइन के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है, एसिडिटी से राहत मिलती है। भारतीय घरों में पाचन संबंधी समस्याओं, खासकर सीने में जलन व गैस के लिए अजवाइन को मुख्य औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट के रोगों में है लाभदायक। अजवाइन के सेवन से कई प्रकार के पेट संबंधी रोगों से निजात पाई जा सकती है। अजवाइन के सेवन से पेट दर्द, गैस, उल्टी व खट्टे डकार इत्यादि समस्याओं में फायदा होता है। इसके लिए खाने के बाद सूखे अदरक, काले नमक व अजवाइन का चूर्ण खाना लाभदायक रहता है। अजवाइन के पानी में एक चुटकी काला नमक डालकर पीने से पेट के कीड़े भी खत्म होते हैं। सर्दी जुकाम व खांसी से मिलती है राहत। सर्दी जुकाम व खांसी होने पर अजवाइन का पानी पीने से राहत मिलती है। इसके लिए अजवाइन को पानी में उबालकर काला नमक मिलाकर पीने से फायदा मिलता है। मसूड़ों की सूजन को करे दूर। अजवाइन का प्रयोग मसूड़ों की सूजन के लिए फायदेमंद है। अजवाइन को भूनकर उसका पाउडर बनाकर मंजन करने से मसूड़ों की सूजन में राहत मिलती है। इसके अलावा गुनगुने पानी में अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें डालकर कुल्ला करने से भी मसूड़ों की सूजन में आराम मिलता है। गर्भावस्था में है फायदेमंद। गर्भावस्था में अजवाइन का सेवन करने से फायदा होता है। इस दौरान अक्सर पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, जिसके चलते भोजन नली में गैस बनती है और पेट फूलता है। इस समय में अजवाइन का सेवन पाचन तंत्र को सही करता है और कब्ज से भी राहत मिलती है। इसलिए गर्भावस्था के समय महिलाओं को अजवाइन का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से गर्भाशय की परत मजबूत होती है और खून भी साफ होता है। दाद का इलाज। शरीर पर होने वाले दाद के इलाज में भी अजवाइन फायदेमंद है। दाद फंगल या संक्रमण से होती है। दाद से निजात पाने के लिए अजवाइन के दानों को पानी के साथ पीसकर पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से लाभ होता है। और इसके अलावा घाव होने या जले हुए स्थान पर यह लेप लगाने से भी फायदा होता है। अस्थमा में है फायदेमंद। अस्थमा के रोग में अजवाइन का सेवन लाभदायक होता है। अजवाइन के रस में पानी मिलाकर सुबह शाम भोजन के बाद पीने से अस्थमा में राहत मिलती है और रोगी को सांस लेने में आसानी रहती है। इसके लिए अजवाइन का पेस्ट बनाकर गुड़ के साथ खाने से अस्थमा के रोग में फायदा मिलता है। वजन करे कम। अजवाइन का पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे शरीर की फालतू चर्बी कम होती है और वजन कम होता है। वजन घटाने के लिए अजवाइन का सेवन हर तरह से लाभदायक है। इसके लिए अजवाइन को पानी में उबालकर या रात भर भिगोकर रखकर पानी को पीने से फायदा होता है। अजवाइन के पानी में शहद मिलाकर भी खाली पेट पीने से जल्द फायदा होता है। मासिक धर्म के दर्द से दे राहत। अजवाइन के सेवन से मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से राहत मिलती है। दर्द से राहत के लिए गुनगुने पानी के साथ अजवाइन खाने से आराम मिलता है, लेकिन उन महिलाओं को अजवाइन के सेवन से परहेज करना चाहिए जिन्हें मासिक धर्म अधिक आता हो, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है। गुर्दे की पथरी को करें बाहर। अजवाइन का नियमित रूप से प्रयोग करने से गुर्दे की पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। अजवाइन के सेवन से पथरी टूटकर मूत्र के द्वारा बाहर निकलती है और साथ ही गुर्दे के दर्द से भी राहत मिलती है। नींद न आने पर करें इसका इस्तेमाल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग नींद न आने की समस्या से परेशान हैं।
नींद ना आने पर रोजाना रात को एक कप अजवाइन का पानी पीने से अच्छी नींद आती है। गठिया के दर्द से दे राहत। अजवाइन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो गठिया के दर्द को कम करते हैं। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक तत्व सूजन को कम करते हैं और सूजन व दर्द के कारण घुटनों की लाली को भी घटाते हैं। अजवाइन के चूर्ण की पोटली बनाकर प्रभावित स्थान पर सेक देने से भी आराम मिलता है। अजवाइन के नुकसान। अजवाइन का सेवन प्रतिदिन 10 ग्राम से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पेट में अल्सर हो उन्हें अजवाइन के सेवन से बचना चाहिए। गर्भावस्था में भी महिलाओं को इसका सेवन सीमित मात्रा में तथा डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। सो दोस्तों, हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।